देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई बार समझौते हुए, लेकिन निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। अब एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला कितना पुराना है। आप समझिए, खाड़ी देश के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद बना हुआ है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलम पर दावा जताता है, वहीं इसराइल यरूशलम से अपना दावा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ पर फिलहाल चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है, जिसकी तरफ से हमला किया गया, और ये इसराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 का वो वक्त याद कीजिए, जिस वक्त इसराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। साथ ही साल 2007 की बात करें तो इसराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से क्या दावा किया गया? फिलिस्तीन ने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो।